नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और आज हम फिर से हाजिर हैं टुडेज बुलेटिन को लेकर के, यानी कि आज की तेज रफ्तार न्यूज के साथ। टिकटॉक यूजर्स के लिए अच्छी खबर, कंपनी भारत में लॉन्च करने जा रही है नई ऐप। जेट एयरवेज के लिए खुशखबरी, मुकेश अंबानी कर सकते हैं कंपनी की नई ऐप पार। आतंकवाद और कट्टरवाद के खात्मे के लिए काम करता रहेगा संघ, मोहन भागवत ने कहा। अमेजन फायर टीवी पर अब चला पाएंगे यूट्यूब, वहीं प्राइम वीडियो पर जोड़ा गया गूगल क्रोम कास्ट का सपोर्ट भी। देश के सबसे अमीर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा कर्जदार भी हैं मुकेश अंबानी। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले जेट एयरवेज के कर्मचारी, कहा हमारी सैलरी दिला दो। व्यक्ति को अब गूगल पिक्सल 3 स्मार्टफोन के बदले चाहिए था रिफंड, बदले में मिले 6,80,000 कीमत के 10 नए फोन। जीएसटी सेल्स रिटर्न के भरने की समय सीमा बढ़ाई गई, 3 दिन बढ़ाकर के अब 23 अप्रैल कर दी गई है। टिकटॉक की भारत में 3 साल में $1 अरब के निवेश की योजना। भारत में लॉन्च हुई 2019 मॉडल सुजुकी ZSX S750। IRCTC का बड़ा धमाका, बिना पैसे के भी अब बुक हो सकेगा ट्रेन में कंफर्म टिकट। एयर इंडिया हेड की SBI चेयरमैन से मुलाकात, किराए पर ले सकते हैं जेट के विमान। व्हाट्सएप जल्द ही करने वाला है बड़ा धमाका, चैटिंग होगी बेहद मजेदार। ईस्टर पर श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट, 3 चर्च समेत 6 जगहों पे धमाके, 129 की मौत, 300 घायल। जियो के नाम से हो रही है धोखाधड़ी, लाखों लोगों को करोड़ों लूटे गए। पुलिस ने पबजी मोबाइल के डाउनलोड पर भी लगाए बैन करने की मांग। बजाज क्यूट लॉन्च हो चुका है और कीमत 2,48,000 रुपए मात्र। टिकटॉक पर बैन लगाने की घोषणा के बाद गूगल पर हाउ टू डाउनलोड टिकटॉक के सर्च एकदम से बढ़ गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 भीषण हादसे, 7 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल। सोशल मीडिया बना वारदात, जेट कर्मचारियों को मिले लगे जॉब ऑफर। भारतीय राजदूत की मौजूदगी में हजारों भारतीयों ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर भारत अरा चीन जाएंगे गोखले। विंग कमांडर अभिनंदन का हुआ तबादला, सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला। फरवरी में 3 गुना बढ़ा रोजगार, 8.61 लाख को मिली नौकरी। HDFC बैंक को चौथी तिमाही में 23% का शुद्ध मुनाफा, अब आय बढ़कर के 5,885 करोड़ रुपए। भारत की आर्थिक ताकत से डरा चीन, पीएम मोदी के साथ वार्ता की लगाई गुहार। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, इस साल अब तक का हुआ सबसे महंगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभ लेने वाले की संख्या 20 लाख के पार, 3.7 करोड़ को ई कार्ड जारी। चुनाव आयोग की सोशल मीडिया पर 14 घंटे नजर, नमो टीवी पर भी विशेष निगरानी। स्पाइसजेट ने जेट एयरवेज के 100 पायलटों समेत 500 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा। तो ये थी हमारी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त कुछ अन्य खबरों को लेकर के। देखते रहे हमारा न्यूज चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।